शराब को लेकर आज तक बहुत से किस्से सुने और पढ़े होंगे, लेकिन इस खबर की वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस और कच्ची शराब माफियाओं की साठगांठ आसानी से समझी जा सकती है। एक तरफ आबकारी महकमा और पुलिसिया अमला गांव-गांव में कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई के दावे करता है, तो वहीं वायरल वीडियो के इस खुलासे में सभी आधिकारिक दावों को खोखला साबित कर दिया। यह वायरल वीडियो बहराइच के खैरीगार थाना क्षेत्र के कोरियन पूर्वा की बताई जा रही है, जो पुलिस के खौफ से बेखबर है। हो भी क्यों ना, जब खाकी वर्दी धारी शराब बिचवाने के 3200 रुपए प्रति माह लेते हो, ये बात हम नहीं वायरल वीडियो में शराब बेच रहा शख्स कह रहा है। कच्ची दारू और पुलिस का गठजोड़, सुनिए वायरल वीडियो में शराब माफियाओं की जुबानी। दो पौवा पानी चलाई थे, 7 पौवा बनकर जा 140 के बैठा था, बोतल उतना देते नहीं है, 140 से 7 पौवा बनेगा ठीक है, 10 कम लगाए पुलिस को खर्चा देख पड़ते है सब वादे, 20 रुपया खाली सोमा दारू दे था, 20 रुपया मिला थे, बस चौकी दे थे, सौ नंबर दे थे सब वाद, तो यार वो करी था कोनो ज्यादा हम लल नहीं पाई थे, या बात जान ली हम कहा थे पैसा देते बहुत ही लेकिन वहाँ उन्हें कहे थे 3200 रुपया महीना दे था, काम हो है या ना हो हमको पढ़ना पड़ा, चार बोतल ले जाओ। अरे नहीं यार तुम अत्ता ना करो, कुल आपका आपके जो मजबूत है हमारे सबके तो जो कच्चे रहा तो ही हमें वहाँ कोई मेरा आदमी नहीं है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।